गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई बाधित हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको हम साइंस और अन्य सभी विषयों की कक्षाएं 9:30 से 12:30 बजे तक प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन सभी कक्षाओं को अपने कंसर्न टीचर से बात करके ले सकते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, इन सभी कक्षाओं को लेने के लिए आप सभी को टीचर से मिलकर, उनसे बात करके, उनके द्वारा बताए गए लिंक से, जिस भी माध्यम से उन्होंने कक्षा को दिया है, अपलोड किया है, उस तरीके से आप उस कक्षा को ले सकते हैं। ये कक्षाएं लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार की कक्षाएं हो सकती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात के लिए अलर्ट रहें, और ताकि उनकी पढ़ाई का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो घर बैठे ही अपनी जो शिक्षा है उसको जारी रखेंगे। आप सभी को पता है कि कल 10 तारीख है, 10 तारीख को सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इस परिणाम के बाद, जैसा कि सरकार की एडवाइजरी है, 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। 9वीं क्लास के और 11वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको ये देखा जाएगा कि वो दिए हुए विषयों में अगर पास हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी ने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, और आप सभी, हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स आने वाली अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिए जाए। तो जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक ये स्थिति बनी हुई है कि स्कूल का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तब तक सरकार ने बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत आप सभी को विभिन्न विषयों के अध्यापक अपनी अपनी कक्षाएं प्रोवाइड करेंगे। अतः आप इन कक्षाओं को ध्यान से YouTube चैनल के माध्यम से या किसी अन्य लिंक जो शिक्षक आपको प्रोवाइड करेगा उसके माध्यम से इन कक्षाओं को सुनकर और फिर सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ताकि जब हमारी कक्षाएं स्टार्ट हों तो हमारा जो ये टाइम लैप्स हो रहा है, ये जो समय का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा अन्य कोई निर्देश जब भी सरकार द्वारा दिया जाएगा तो वो आप तक उसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी जो मैंने आपको बताई कि आपको किस प्रकार से आगे का जो अपना अध्यापन कार्य है, हमें जो पढ़ाना है या आपने जो अपना शिक्षण कार्य करना है, वो चीजें कैसे हमने आगे करनी है। ठीक है, अब जैसा कि बताया गया है, तो स्टूडेंट्स हमें मैं जैसे कि फिजिक्स का लेक्चरर हूं, तो मुझे साइंस 9-10 की, इसके अलावा +1+2 क्लास के फिजिक्स के लेक्चर लेने हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में मैं पहले जो है मेरा जो टाइमिंग शेड्यूल है उसके आधार पर मैं आपके लिए आज एक लेक्चर, जो कि शेड्यूल में सरकार ने हमें लेने के लिए बोला है, उसके आधार पर आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स आप साथ साथ जो जो पढ़ाया जाएगा उन चीजों को अच्छे से पढ़ के रिकवर करेंगे और उनको प्रिपेयर करके रखेंगे, ताकि जब भी एग्जाम हो आने वाले टाइम में, जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, तो आप उस चीजों को आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स
हमारा आज का जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो लाइट के ऊपर आधारित है और लाइट के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट. बेसिकली अबाउट लाइट, इट इज सेड दैट वी कैन सी द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट. मीन्स लाइट इज समथिंग विच इज हेल्पफुल इन सीइंग द थिंग्स. मीन्स जो हमारा प्रकाश है वो एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज है, फिर बाद में इसका जब अच्छे से स्टडी अध्ययन किया गया तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, इस बारे में भी हमें जानकारी मिली और 10वीं कक्षा में आपको इस बारे में जानकारी दी भी गई थी. तो लाइट के बारे में जब आपने पढ़ा तो उसके बाद आपने कुछ और घटनाओं के बारे में भी पढ़ा था 10th क्लास में, जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, मीन्स परावर्तन क्या होता है. इसी प्रकार से आपने ये भी पढ़ा कि लाइट का रिफ्रेक्शन क्या होता है, मीन्स अपवर्तन क्या होता है. ठीक है, तो ये सभी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, कि कब कब लाइट परावर्तित होगी, कब लाइट क्या होगी, अपवर्तित होगी, रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्रेक्शन कब होगा. स्टूडेंट्स, अगेन ए फिनोमिना विच इज यूज्ड इन द लाइट, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को समझने के लिए, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा जो पहले तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है वो हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूं रिफ्लेक्शन के बारे में. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था, मींस परावर्तन में आपने क्या देखा था, ठीक है, क्या देखा था आपने, कि व्हेन यू टेक ए प्लेन पॉलिश सरफेस एंड द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस सरफेस with an angle of incidence I, it will bend into the same medium after reflection through the surface with an angle R. You also know the rules, which are the laws of reflection, angle I is equal to angle R. Students, इस phenomena में जो main बात है ये आपने देखा है, इसमें जो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि इस फिनोमिना के अंदर हमारी जो लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है. आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. अब रेयरर मीडियम वो होता है स्टूडेंट्स जिसकी डेंसिटी अर्थात घनत्व लो हो, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी अर्थात घनत्व क्या हो, हाई हो. तो स्टूडेंट्स, ये दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी. इस घटना में जाने से पहले आपको ये रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. तो आपको ये बात समझ में आ रही है. अब अगर हमें ये बात समझ में आ रही है कि जब हम रेयर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो एक क्वेश्चन माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा भी, कि अगर प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर की तरफ जाए तो क्या होगा. ये नेचुरल क्वेश्चन है, ये आना स्वाभाविक है. तो हम इसी बात को पढ़ने की आज कोशिश करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, कि जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें किस बात का
एक हमने एक पॉइंट फिक्स करना है। यहां पर हमें मेन बात जो फिक्स करनी है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। TIR तभी हो सकता है स्टूडेंट्स जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कि डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी लाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा भी है स्टूडेंट्स कि हम एक पानी का गिलास लें, ठीक है, पानी के गिलास में टॉर्च की सहायता से जब हम इस पानी के गिलास में लाइट डालते हैं तो ये जो मीडियम है जिसमें टॉर्च है वो रेयर मीडियम है, ठीक है, और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर यानी कि एयर से वाटर में आएगी तो TIR नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मींस प्रकाश की किरण का क्या होगा, अगर हम इस लाइट को यहां पर लें तो इसका क्या हो सकता है, परावर्तन या अपवर्तन हो सकता है। परावर्तन तो इस सरफेस से भी हो जाएगा, इस अगर हम सीधी इसको नेगलेक्ट कर दें इस सरफेस को तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जब प्रकाश की किरण इस डेंसर मीडियम से, मान लिया ये इधर से होती हुई, ठीक है, इधर से होती हुई बाहर निकल रही है, ये एंगल है। अब देखिए यहां पे दोबारा से एयर है, रेयर मीडियम है। अब इस घटना में क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब ये प्रकाश की किरण यहां से डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो भी अपवर्तन ही होगा। मतलब ये तुम्हें आपको पता है कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये घटना आपने देखी है। तो ऐसी नेचुरल सी एक घटना होती है जो आप नॉर्मली देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये घटना होते होते एक ऐसी सिचुएशन आएगी, दैट सिचुएशन विल डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं आपको इस प्रकार से दिखाऊं कि स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। नाउ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इन द डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है लाइट, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब लाइट गिरेगी, बेसिकली यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट गिरी तो आपने देखा कि लाइट गेट्स रिफ्रेक्टेड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया। ये घटना आप नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इसको जो सोर्स है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इधर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा आई, और इधर ले जाएंगे तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। मान लिया हमारे पोजीशन जो है अब की बार एस की, ये एस डैश हो गई, एस डैश पोजीशन से फिर से लाइट आएगी। स्टूडेंट्स नाउ यू सी दैट फॉर एग्जांपल, और लेट अस अज्यूम दैट एट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मान लिया हमारा जो ये लाइट जो बाहर जा रही है ये पैरेलल टू दिस सरफेस हो जाती है, मींस नॉर्मल के साथ ये जो आर की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है। अभी भी रिफ्रेक्शन ही हो रहा है स्टूडेंट्स, रिफ्रेक्शन सॉरी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। अभी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने देखा कि लाइट जो है वो बैंड इतनी बैंड कर गई कि वो जो सरफेस थी उसके पैरेलल गई, ठीक है। अब क्या होगा, इफ वी जस्ट शिफ्ट द पोजिशन ऑफ सोर्स अगेन एस टू डैश, देन द लाइट विल गो टू एन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन आई,
आई वन आई टू आई थ्री नाम दे देते हैं हम इसको। तो आई थ्री एंगल पे जब लाइट गिरी, ठीक है, तो हमने देखा कि लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय उसी मीडियम में वापिस आ गई। स्टूडेंट्स, इस ऑब्जर्वेशन को, इस एक्सपेरिमेंट को समझने की आपको कोशिश करनी है कि आपने क्या देखा कि आपका जो सोर्स था, उस सोर्स से मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे लाइट को इंसिडेंट करवाया डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ। आपने सिचुएशन क्या देखी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट का सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ इस प्रकार से हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी वो पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल गई। फिर थोड़ा सा और एंगल बढ़ाया तो हमने देखा कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लाइट डेंसर मीडियम में ही वापिस आ गई। तो जिस एंगल से आई थ्री से आई थी, आई थ्री से ही वापिस जाएगी। यानी कि ये रूल जो लगता है, जिस एंगल से आए जिस एंगल उसी एंगल से जाए, ये तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। अब लाइट का कोई भी हिस्सा, नॉट एनी एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, द कंप्लीट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंसर मीडियम। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस टॉपिक में हमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का टॉपिक है, हमने उसमें एक बेसिक बात सीखी कि लाइट शुड कम फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वन थिंग। ऑल्सो यू हैव सीन दैट एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस light get refracted at an angle of 90 degree. If we increase the angle of incidence, then the total internal reflection take place. Now, that particular angle at which the light get refracted at an angle of 90 degree, वो कोण, वो incident कोण जिसके ऊपर light का जो refraction का कोण है वो 90 डिग्री का होगा, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्रिटिकल एंगल यहां पर निकल के आ रहा है, उसके डेफिनेशन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल, स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल किसको डिफाइन किया है मैंने? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 degree when coming from denser to rarer medium। Students, ये बात आपको समझनी है कि वो angle of incidence जिस पर light get refracted through an angle of 90 degree, ठीक है, कि लाइट का रिफ्लेक्शन होगा 90 डिग्री के कोण पर, व्हेन कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तब जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम, ये बेसिक कंडीशन है, इस पे तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ये कंडीशन, इसके बिना पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के बेसिस पे इस एंगल को, ये जो एंगल जिस पे ये बना था, ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग से अब बना देता हूं डायग्राम को। तो बेसिकली आपने क्या देखा, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट सोर्स से एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई, ठीक है, और लाइट का रिफ्रैक्शन कितने डिग्री पर हो गया, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हो गया। तो इस आई को, आर को नहीं, आर का तो वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो इस आई को क्या बोलेंगे, सी।
क्रिटिकल एंगल, समझ में आई आपको बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बात आपको समझ लेनी है। तो ये आपको समझ में आई। अभी फिर मैंने TIR को बताना है, तो TIR में क्या बताना है मुझे कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद इफ वी फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं और ज्यादा बढ़ा देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मान लिया मैंने अपने सोर्स को शिफ्ट कर दिया S से S डैश पर, तो आप ध्यान से देखिए कि इस सोर्स से अब जो ये एंगल आया है I, ये ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो I इज ग्रेटर देन C, इन दैट सिचुएशन लाइट विल नॉट रिफ्लेक्ट, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ना ही ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ये समझ रहे हो, मीडियम चेंज नहीं होगा, मेन बात ये है। तो वो क्या करेगी, उसी मीडियम में यानी कि डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी। तो इस घटना को हमने क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नाउ आई एम समिंग अप माय टॉपिक, तो मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करके आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं, तो आपको वो डेफिनेशन समझनी है। क्या समझना है, TIR क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस at an angle of incidence greater than critical angle। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझनी है कि इट इज द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑन द सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको सिचुएशन समझनी है, तभी क्या होगा, TIR होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको अब समझ में आ गया होगा, वो डायग्राम भी मैंने आपको समझाया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपने समझी, उसके बाद TIR की डेफिनेशन आपने समझ ली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हाउ, नाउ द टॉपिक इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल और वी कैन आल्सो नो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इफ वी नो द क्रिटिकल एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये हमारा बनता है, एक दो नंबर का क्वेश्चन तो यहां से बनेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल इन TIR। TIR जो घटना हो रही है, तो क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो TIR के लिए स्टूडेंट्स, फॉर दिस स्नेल्स लॉ इज यूज्ड। आप सभी को पता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ यूज होता है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन की घटना में। आपने बेसिकली अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ यूज होगा। तो लेकिन हम अपनी घटना को किस हिसाब से ले रहे हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में। तो लेट अस कंसीडर ए सोर्स ऑफ लाइट,
फिर से हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जिससे जो लाइट है वो इंटरफेस पे आई डेंसर मीडियम से, ठीक है। और जब ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुई तो एक एक पर्टिकुलर एंगल आई इज इक्वल टू सी पर इसका रिफ्रैक्शन हो गया पैरेलल टू दिस, यानी कि आर इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हो गया। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो हुआ है, तो इसीलिए क्योंकि अभी तक रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, TIR नहीं हुआ है, तो इस घटना पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इज इक्वल टू डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो क्या आ जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है। इस रूल के अकॉर्डिंगली म्यू ऑफ द मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और साइन आर जिस एंगल पर होगा 90 डिग्री उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने सी बोला था, तो यानी कि आई किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो 90 साइन 91 होता है, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। देर इज ए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड ए क्रिटिकल एंगल। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को जानते हैं या आपको पता है तो उस आधार पर आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको क्रिटिकल एंगल का पता है किसी मीडियम के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, वो मेजर एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों के दोनों बातों को, ये जो कंक्लूजन जो निकला है, ये जो फॉर्मूला जो बना है, इस फॉर्मूले को कुछ पॉइंट से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, म्यू ऑफ द मीडियम। तो लेट अस कंसिडर स्टूडेंट्स, मान लिया कि लाइट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है और ये एयर है, तो ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, ठीक है। तो व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल एट एन एंगल ऑफ आई, ठीक है, फ्रॉम वाटर टू एयर, इट गेट रिफ्रेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये घटना हमने ले ली, बस हमने क्या किया है, यहाँ पे मीडियम बताए हैं आपको कि डेंसर मीडियम वाटर है और रेयर मीडियम क्या है, एयर है। तो उस केस में हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं या क्रिटिकल एंगल भी कैलकुलेट, कि अगर जब जब TIR होगा तो उससे पहले हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवानी पड़ेगी लाइट। तो देखिए आप यहां से म्यू एम हमें पता है वाटर का 1.33 होता है, तो अगर हमें इस वैल्यू का पता है, ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट साइन सी इज इक्वल टू 1/1.33, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.33। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो जैसे ये आपका ऑलमोस्ट सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 100/133, ठीक है, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.133 का आप ये लगा के चलिए 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 0.8 के करीब आएगा। और साइन इनवर्स 0.8 जो वैल्यू है वो आपकी कब आती है, वो तब आती है जब आपका सी जो हो ऑलमोस्ट, ये मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। तो 0.8 वैल्यू कब आएगी, जब हमारी साइन की वैल्यू √3/2 हो, यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑलमोस्ट कितना हो, 60 डिग्री हो। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर बेसिक सा एक एग्जाम्पल लेके बताया कि जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल
कितना हो सकता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली मैंने एक अंदाजा लगा के आपको ये वैल्यू कैलकुलेट किए। तो यहां से हमने, हमारा मेन मकसद था कि हम कैलकुलेट कैसे करें किसको, क्रिटिकल एंगल को, इफ वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता है ठीक है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें किसका पता है, क्रिटिकल एंगल का पता है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि इफ सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, अब मैंने बोला आपको कि वाटर के लिए अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो म्यू एम इज इक्वल टू अब 1/sin C निकलेगा, तो 1/sin 45 डिग्री, sin 45 1/√2 होता है, तो root 2 का मतलब 1.414। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपको क्या पता चला कि म्यू जो आया, अगर हमारा क्या आ रहा है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो उस केस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 आएगा। ये आपको बेसिकली याद रखना। तो मैंने दोनों एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो आज हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट किया, इसके अलावा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना सीखा। स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द TIR। देर आर लॉट्स ऑफ मैजिकल फिनोमिनाज विच कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी प्रकार से आप कनेक्टेड रहिए, और अगेन आवर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30 to 10:15, ठीक है। तो आपका ये जो शेड्यूल रहेगा, जब तक आपको, जब तक हमें नेक्स्ट एडवाइजरी नहीं आती तब तक 9:30 to 10:15 तक आपकी जो क्लास रहेगी वो फिजिक्स की क्लास रहेगी, 10:15 to 11:00 तक की जो क्लास रहती है वो बायोलॉजी की है, और उसके बाद 11:00 to 11:45 की जो क्लास रहेगी वो आपकी केमिस्ट्री की रहेगी, इसके बाद 11:45 to 12:30 तक जो क्लास रहेगी वो इंग्लिश की रहेगी। यानी कि इन चार विषयों की क्लास आपकी प्रतिदिन लगेगी, ठीक है। तो सभी टीचर्स अपने अपने हिसाब से अपना अपना लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। स्टूडेंट्स रिवाइज दिस टॉपिक एंड आफ्टर द रिविजन आई विल टेक सम मोर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, एंड देन वी विल स्टडी सम, वी विल डू सम न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस।